नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 2 के अध्याय 2 संजीव और अनुजीव पाठ पढ़ेंगे। तो हम पाठ पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। इनके आकृति और आकार भी भिन्न भिन्न होता है। लक्षणों के अनुसार इन सब को 2 भागों में बांटा जा सकता है, संजीव और निर्जीव। हमारी चारों ओर जो वस्तुएं होती है उनको 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, संजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। संजीव वस्तुओं में जो आते हैं, जो श्वास लेते हैं, जो श्वसन करते हैं, और निर्जीव में जो श्वसन नहीं करते वह आते हैं। संजीव और निर्जीव में अंतर होता है। संजीव वस्तु जीवित रहने के लिए निर्जीव वस्तुओं पर निर्भर रहती है। जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य संजीव में आते हैं, और निर्जीव में जैसे टेबल, कुर्सी और खाने की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, ये सब आते हैं। तो मनुष्य जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं, और खाद्य पदार्थ आता है निर्जीव वस्तुओं में, और मनुष्य आते हैं सजीव में। तो संजीव वस्तु हो गई निर्जीव वस्तु पर निर्भर। सजीव वस्तुएं मानव, जंतु, पौधे सजीव है। इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो इन निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। सभी जीव जीवित रहने के लिए श्वसन लेते हैं। मनुष्य, जंतु और पौधे श्वसन छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। संजीव में कौन कौन आते हैं? मनुष्य, जंतु और पौधे। ये सभी जीवित रहने के लिए श्वास छोड़ते हैं। उस श्वास छोड़ते समय ये कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। संजीव विभिन्न अंगों की सहायता से श्वसन देते हैं। सभी मनुष्य और कुछ जंतु फेफड़ों द्वारा श्वसन लेते हैं। जलीय जंतु जैसे मछलियाँ अपने गलफड़ों के द्वारा श्वसन लेती है, जबकि मेंढक अपने नमी युक्त त्वचा के द्वारा श्वास लेते हैं। पक्षी अपनी चोंच के छिद्रों द्वारा श्वसन लेते हैं। कीट अपने शरीर में बने सूक्ष्म छिद्रों द्वारा श्वसन लेते हैं। इसे श्वसन रंध्र भी कहा जाता है। हमारे मनुष्य जैसे नाक से श्वसन लेते हैं, जंतु भी नाक से लेते हैं, पर कुछ जंतु जीव ऐसे हैं जो अपनी नाक से सांस नहीं लेके अन्य त्वचा के भाग से लेते हैं। जैसे मछली है वो गलफड़ों से लेती है सांस, और मेंढक होते हैं वो अपनी नमी युक्त त्वचा, चमड़ी होती है ना, उससे सांस लेते हैं। और कबूतर होते हैं, कबूतर पक्षी जो उड़ने वाले जीव होते हैं वो अपनी चोंच के छिद्रों से श्वास लेते हैं। और कीट पतंगे और होते हैं वे अपने चमड़ी के छिद्रों से श्वास लेते हैं। तो बच्चों, अभी हमने जो पाठ पढ़ा था उसी का कुछ प्रश्न बने हैं गृह कार्य में, या आपको अपने गृह कार्य में करने हैं। तो उचित शब्द छांट कर एक स्थान में भरिए। आपको ये 3 शब्द दिए गए हैं, रंध्र, 2 फेफड़ों। ये आपको तीनों उचित खाली स्थान में भरने हैं। तो पहला खाली स्थान है वस्तुओं को भागों में बांटा गया, आपको इन्हीं तीनों शब्दों में से एक शब्द इसमें भरना है, लिखना है। दूसरा, पौधों के सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं। तीसरा, जंतु द्वारा श्वास लेते हैं। ये तीनों इन्हों किन्हीं एक में बढ़ने हैं।